अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे व्यूअर्स ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये स्पेशल वीडियोस हाउ टू स्टार्ट बर्गर शॉप बर्गर का। जैसे आप शुरू करिए, हमारे मोहल्ले का मेरा जानने वाला स्कूल के साथ चौक मेन रोड पर है सर्कल वाले, इसका बर्गर बहुत अच्छा होता है, अच्छे से बना रहा है। तो मैंने सोचा मैं इससे आपके इंटरव्यू लेकर दूँ। पहले आप सबसे पहले इसका बर्गर बनाना देखिए, इसका बहुत अच्छा बर्गर होता है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो ये बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा। और उसके अलावा इसका इंटरव्यू आज पूरा ये देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस इंटरव्यू से। बस ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। देखिए बर्गर बना रहा है, इसका सारा इंटरव्यू मैंने लिया है, आगे चल कर किसी के बिल्कुल बराबर में है। आगे चलकर आप वीडियो वायरल कर रहे हैं, बस सही है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं आज आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जो कि मेरे व्यूअर्स की फरमाइश भी थी। और ये है मेरा, ये पड़ोस में रहता है सचल में, स्टाफ पर है इनका बर्गर, नूर बर्गर वाला एक ऐसी आपके इसके बराबर में, ठीक है। इनका बर्गर बहुत लजीज है, ठीक है। और ये सुबह के टाइम नाश्ता अंडा पराठा छोले पराठा सब कुछ बनाते हैं। अगर आप यहाँ कराची में रहते हैं तो इसका बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ये बर्गर का काम ये कैसे शुरू हुआ, इसका क्या तजुर्बा है, आप अगर करना चाहें या आप जानना चाहें तो इनसे पूछें। ओके, अस्सलाम वालेकुम आसिफ अली, आप बताइए कि आपकी एजुकेशन कितनी है, तालीम कितनी है, और ये आपको बर्गर का शौक खोलने का कैसे शौक हुआ? सर, एजुकेशन मेरी जो है इंटर मैंने की हुई है, और बर्गर मैं मजदूर बनता हूँ शुरू से, काम भी करता आ रहा हूँ, पढ़ाई भी अपनी रेगुलर करता आ रहा हूँ। और मैंने अपनी मेहनत जो की है सर, मैं पहले रोड पे जो है फिंगर चिप्स बेचता था, 3 साल 2.5 साल मैंने वो बेची। उसके बाद मैंने जो भी है अपने हिसाब से जो मैंने 50 बचता था 100 बचता था वो अपना मैं जमा करता जा रहा था। 3 साल में 2.5 साल सर जितने भी जमा हो गए उसके हिसाब से, पर मुझे दुकान जो है बराबर में खाली नजर आ गई, फिर मैंने उसका एडवांस किया थोड़ा बहुत, जितने भी मैंने मेहनत की है सर। सही बात है, इंसान कामयाबी मेहनत करता है। ओके, उसके बाद आगे? आगे सर अभी मेरा बर्गर का काम है, फिंगर चिप्स का काम है, अल्लाह का भला करे। सुबह को नाश्ता लगाता हूँ चाय का, अभी काम मेरा बिल्कुल बहुत सेट है, मैंने काम किया, मैंने अपने अबू को भी अपने साथ रखा हुआ। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप मेरे व्यूवर्स को मशवरा दें, अगर उनमें से कोई चाहता है कि मैं बर्गर का स्टॉल खोलूँ लगाऊँ या क्या, तो आप उनको क्या सजेस्ट देंगे, कैसे आप कहाँ से ये रोटियां वगैरह खरीदें, कितना आपका मतलब इन्वेस्ट होता है, कितना खर्चा होता है और कितना आपका प्रॉफिट होता है बाय डे, वो आप महीने वो आप बता सकते हैं मेरे व्यूअर्स? सर वो तो बंदा अभी नया बंदा होगा, उसको तो किसी का पता नहीं होगा। तो मैंने जब काम अपना स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तो शुरू में मैंने अपना उस्ताद रखा था जो उसको भी सैलरी देता था, काम भी सीखता था। जब मैं काम अपना सीख गया तो उस्ताद को मैंने बोला कि उस्ताद अभी मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो फिर मैंने काम तो सीख गया था, फिर मैंने अपना काम आज धीरे धीरे शुरू कर दिया। उस्ताद भी आता था 2-3 घंटे 2.5 घंटे मुझे सिखाने आता था, वो भी उसकी मेहरबानी से आज मैं इधर ही हूँ। माशाल्लाह, मतलब अगर आप नहीं जानते ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप किसी से भी बाहर जाकर कुछ वक्त सीख सकते हैं और उसके बाद अपना ये स्टॉल लगा सकते हैं इनकी तरह, इनकी बर्गर की माशाल्लाह बहुत लजीज है, मैं खाता हूँ अक्सर, घर के लिए भी ले जाता हूँ। अगर आप यहाँ सचल गोट के करीब रहते हैं, करीब मौसमियात के करीब रहते हैं, तो इनका बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, लजीज और जायका मंद है। और इनकी लोकेशन है ये सचल गोट मेन ये रोड है, ठीक है, रोड में नूर बर्गर वाला, नूर बर्गर वाला, इसका नाम भाई का है आसिफ अली लाशारी। ये सुबह को शॉप का नाम नूर बर्गर है, नूर बर्गर है, ठीक है। शॉप सुबह को ये नाश्ते भी बनाते हैं, नाश्ता भी बहुत लजीज होता है, मैं आया हूँ मैं भी खाता था, ठीक है। तो आप अगर मजीद बताएं क्या हुआ, कैसे शुरू में क्या क्या हुआ, रुकावटें या क्या? जाहिर सी बात है सर, कोई भी काम होता है तो शुरू में स्टार्टिंग में जो भी मसले मसाल पैदे होते हैं, मगर वो होते रहते हैं, छोटे बड़ा छोटा कारोबार हो तो उस मसले को पता नहीं देखे, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 2.5 महीने भी लग सकते हैं सर, ठीक है।
तो अब आपकी क्या रूटीन है, कैसे वो चीज़ें लेते हैं, कितना खर्च आता है, कब तक फिर आपको कितना प्रॉफिट होता है वो बताइए। सर अभी प्रॉफिट तो जो है बंदा सेल के हिसाब किताब से, सेल कभी भी एक नहीं होती, तो सेल कभी 5,000 होती है तो 5,000 पे हमें 2,000 बचते हैं, 10,000 होती है तो उस पर 3-4,000 ही बचते हैं सर, काम के हिसाब किताब से। चलिए ठीक है, माशाल्लाह, मतलब आप इस काम से मुतमिन है, ये काम चलता है अभी भी हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है, और आपका अबू माशाल्लाह वो अबू भी मेरा चाहेंगे कारीगर था, फिर मैंने अपने साथ अबू को रख दिया क्योंकि मैंने होटल लगा दिया है, अभी फिंगर चिप्स भी है, सुबह को नाश्ता भी है और बर्गर भी शाम को चलाता हूँ माशाल्लाह। मतलब इनके शॉप पर हर सहूलत मौजूद है, चाय किसी को पीनी हो आ जाए, चिप्स खानी हो आलू चिप्स वो भी अवेलेबल है, बर्गर नाश्ता सब कुछ अवेलेबल है। आप नूर बर्गर के शॉप पर ज़रूर तशरीफ लाइएगा, ये मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, मैंने खुद टेस्ट वगैरह किए इनके बहुत, और ये सफाई का भी ख्याल करते हैं, ठीक है, हाइजीन का भी ख्याल करते हैं, इनका बर्गर बहुत, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में इनका वीडियो बनाऊंगा जब ये ठीक है बनाएगा। और आप कोई कुछ कहना चाहे मेरे व्यूवर्स को? सर यही करूँगा कि मेहनत में कुछ भी ऐप नहीं है, मेहनत बंदा करे भले पढ़ा लिखा हो, मेरी भी तालीम है, मैं भी पढ़ता भी हूँ, रेगुलर पढ़ता भी हूँ, काम भी करता हूँ, पार्ट टाइम में मैं काम भी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैंने इस काम से बहुत खुश हूँ, मैं पढ़ाई भी अपनी रेगुलर रखता आ रहा हूँ सर, और मैं काम भी जो है ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। माशाल्लाह, कितने घंटे आप ये शॉप किस टाइम खुलता है वो टाइमिंग बताएं, और मेरे व्यूवर्स जो भी आए इनको बताएं कि हम मज़हर अली के चैनल के थ्रू आए हैं। ठीक है सर, सुबह 6 बजे से जो है हमारा होटल खुल जाता है, सुबह 6 के बाद फिर 12 बजे के बाद, सुबह 6 बजे खोलते हैं तो उसमें अंडा पराठा नाश्ता छोले वगैरह, 12 बजे के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद बर्गर शुरू करते हैं, बर्गर के बाद फिंगर चिप्स और ये दोनों साथ में होते हैं सर, फिर चाय तो माशाल्लाह रात 1 बजे तक चलती है। चले ठीक है, मेरे व्यूवर्स अगर मजीद जानना चाहें आप उनको सजेस्ट करें, अगर वो खोलना चाहें लगाना चाहें तो थोड़ी बहुत आप उनकी फेवर करें, बताएँ कैसे शुरू करें, कहाँ पर कौन क्या क्या चीज़ें देखे वो सर, कोई भी अगर होगा तो फिर जो भी है हमारा हाल है, हम मशवरा। चले आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम आपको इनसे रब्ता करवाएंगे। ठीक है, एक मिनट, मजीद आप मेरी वीडियोस को उम्मीद है पसंद करेंगे, कमेंट करके बताइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, आप इनके शॉप पर ज़रूर तशरीफ लाइए। ठीक है, आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, ये मैंने भी लिया इनसे, ये देखिए मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा था, मज़े का था बर्गर, आप भी आइएगा ज़रूर ये टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, आप मुझे उम्मीद है आप ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और मैं लास्ट में इसकी बनाने की रेसिपी भी शेयर कर रहा हूँ, एंड में आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये देखिए आप इसकी रेसिपी कैसे बनाना, सुठी एडवर्टाइजमेंट थी, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे वीडियोस को पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे, मुझे कमेंट करके बताइए आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं, कौन से बिजनेस में, मैं आपको उस बिज़नेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूँ, इंटरव्यू लेकर दूँ। अभी मेरा इरादा है नेक्स्ट में मैं फ्रूट जूस वाले से इंटरव्यू लूँ, ऐसा होगा, आप मेरे साथ कनेक्ट करिए, मुझे लाइक करें, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं यूट्यूब पर जल्द से जल्द अपलोड थी ने वीडियो दे दाए मैं लिंक मुकिन नाम लिस्ट से जो जरूर ये रेसिपी शेयर कर रहा है मैं बर्गर की, आप देखिए इसको, कारोबार कोई भी बुरा नहीं होता। ठीक है, कारोबार कोई भी बुरा नहीं होता इसका बर्गर बहुत अच्छा है, आसिफ नाम है इसका, और ये नूर बर्गर के नाम से है इसका, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा एक बार, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर ये बर्गर आप खाएंगे तो ही आप कहेंगे कि वाकई मैंने कोई बर्गर खाया है। सही है, इनका मटेरियल भी माशाल्लाह, इंग्रेडिएंट्स भी साफ़ सुथरे, ऑयल वगैरह सब साफ़ सुथरे होते हैं। मुझे आप कमेंट करके बताइए आइडिया आपको कैसा लगा, आपने पसंद किया या नहीं किया, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चाचा शेयर क्यों नहीं, ठीक है, चाचा शेयर कमेंट करके बताइए कि कौन से वीडियो बस शेयर करने चाहिए, आप वीडियो शेयर किया नहीं, कुछ नहीं वीडियो इंटरेस्ट रखते हैं, व्यूज आया था कितना व्यूज आया शॉप है बस सज्जल रोड जी के AKC।